अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ज़फ़रान शाह बाबर। नाज़रीन, आज हम मोबाइल के मार्केट में मौजूद हैं यहाँ लिया शहर में। यहाँ पर जो होस्टर हैं उनसे पूछते हैं कि मोबाइल का रेट ईद के सीज़न के साथ साथ उनका रेट क्या ऊपर जाता है या डाउन हो जाता है, तो उनके साथ साथ इनकी चार्जर वगैरह भी बहुत ज़रूरी होता है लेना, तो उनका रेट किस तरह चलता है और ओपन मोबाइल और पैक मोबाइल ये सब किस तरह इसका रेट होता है। चलो नाज़रीन से पूछते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? सर हसीब मुस्तफ़ा। हसीब मुस्तफ़ा साहब, बताएगा कि मोबाइल का रेट ईद के करीब आती है तो रेट क्या किस तरह होता है यहाँ मार्केट से? हमारा रेट तो काफ़ी पहले भी मकूल होता है, ईद के लिए हमारे अलहदा बोनस होता है उसके लिए, तो मार्केट के हिसाब से और एंड्रॉयड और कीपैड का हमारा पहले हम ईद के लिए उसके लिए लेस कर देते हैं हम रेट उसका। 2022 ईद के लिए आप लोगों ने कितना डिस्काउंट रखा हुआ है ऊपर? सर हमारा डिस्काउंट ना मार्केट से काफ़ी कम है। डिस्काउंट हमारा पहले भी था क्योंकि हमारा काम होता है होलसेल का, होलसेल के मुताबिक पहले जो था रेट उससे काफ़ी हमने कम कर दिया। अच्छा, होल सेल और जो बाकी मोबाइल जो ओपन जो दुकानें होते हैं या रोड के कैसेट पे करके मोबाइल जो बेचते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? सर वो होता है सेकंड हैंड मोबाइल का ना, जो सेकंड हैंड का हमारा काम नहीं, हमारा डब्बा पैक है, हमने सेल करनी है चीज़ें डब्बा पैक, ठीक है, और उसका रेट जो होता है ना वो हमने पहले ही लेस किया होता है। फिर मार्केट कस्टमर से हमारी बहस भी नहीं होती, ये मज़े की बात है, कस्टमर हमारे पास आता है हमसे चीज़ लेके जाता है और दोबारा भी आता है। हाँ मीन्स कि यहाँ पर दोबारा चेंज हो सकता है मोबाइल? नहीं, दोबारा चेंजिंग हम फिर क्लेम के लिए भेजते हैं, अगर सेट में अवेलेबल तो कोई सेट में मसला आता नहीं है, अगर मसला आ भी जाए तो हम क्लेम के लिए उसको वारंटी क्लेम भेज देते हैं कंपनी में, वो बंद कर आ जाता है वहाँ। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि क्या इस तरह के कस्टमर आपके पास आते हैं जो कि कहते हैं हमारे जो मतलब कवर बैग पे ना, कोई कहते हैं पबजी लवर्स, कोई कहते हैं लव एक्सेट्रा वगैरह, तो इस तरह के स्माइली मतलब करवा दे, नोट करवा दे, तो सर भी करते हैं आप लोग करते हो इस तरह के नोट है आप स्माइली है? कवरों के पास, कवरों की बात तो आप छोड़ें, कवर हमारे पास पूरे अपना इधर लिए में कवर हमारे पास सबसे ज़्यादा है और फैंसी कवर हैं और वो इम्पोर्टेंट कवर हैं जो एंड्रॉयड मोबाइल के लिए और आईफोन मोबाइल के लिए यूज़र पसंद करते हैं। और स्माइली की बात की जाए तो स्माइली हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, इमोजीज भी पड़ी हुई हैं, लवर्स वगैरह पबजी लवर्स वो जो उनके थम्स पड़े हुए हैं और हमारे ट्रिगर जो वो पसंद करते हैं ट्रिगर गेमिंग के लिए। अच्छा, बताया गया कि ये जो स्माइली इमोजीज आपके साथ पड़े इनमें सबसे ज़्यादा जो है कौन से इमोजीज जो है ना ज़्यादा पसंद लोग करते हैं यहाँ पर, खासकर नौजवान तबका? हाँ, नौजवान तबका क्योंकि अब वो पबजी का है दौर तो वो करते हैं पबजी वाले, ठीक है, ज़्यादा में स्माइली ज़्यादा होती है और पबजी में कुछ वो पबजी के थीम्स आते होते हैं वो होते हैं ज़्यादा इस तरह की चीज़ें। अच्छा नहीं, ये भी बताएगा कि जो है ना यहाँ पर आपके पास जो है ना ओवरऑल लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी आते हैं और यंग्स बाहर के जो होते हैं वो भी आते हैं, देहाती लोग भी आते हैं, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर कौन सा मोबाइल पसंद करते हैं, किस टाइप का मोबाइल पसंद करते हैं, गेमिंग वाला या अच्छी कवर मतलब कैमरे वाला, किस तरह के टाइप का मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग? सर लोग मांगते हैं प्रोसेसर के हिसाब से, प्रोसेसर के गेमिंग प्रोसेसर होता है क्योंकि आजकल यंगस्टर जो लोग हैं वो गेमिंग पे लगे हुए हैं, तो इस हिसाब से वो प्रोसेसर अच्छा होता है। हमारे पास काफ़ी एंड्रॉयड पड़े हैं जिनके प्रोसेसर काफ़ी अच्छे हैं, वो अक्सर प्रोसेसर वाले सेल होते हैं। जो होते हैं देहाती लोग आते हैं वो कीपैड के लिए, हमारे पास आईटेल कंपनी के पड़े हैं, टेक्नो के पड़े हैं, ठीक है, उसके बाद ये सारे हो गए, ये बड़े उनके ना उनकी दिलचस्पी आ जाती है इसमें क्योंकि आईटेल जो हमारे पास पड़ा है जो न्यू एडवांस टेलीकॉम का है ये ज़बरदस्त सेट जा रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो और ज़्यादातर यहाँ पर गर्ल्स जब आती है तो वो कौन सा यूनिवर्सिटी ज़्यादा मांगते हैं? वो गर्ल्स फिर उस हिसाब से, गर्ल्स का तो अक्सर होता है एंड्रॉयड वाले, ठीक है, मॉडल, और हमारे पास उनके लिए स्पेशली कवर पड़े हैं काफ़ी। हाँ, उनके लिए ग्लिटर वाले कवर पड़े हैं, फैंसी पड़े हैं, बसूस कवर पड़े हैं, वो काफ़ी ज़बरदस्त कवर पड़े हैं जो वो पसंद करते हैं। अच्छा, हमारे नजर स्क्रीन पर ये चीज़ देख रही है जो कवर की बात आप कर रहे हो, तो साथ साथ मैं भी बताएगा कि जो यहाँ पर चार्जर किस बेस पे लेते हैं, कैपेसिटी बेस चार्जेस लेते हैं या जो है ना जस्ट वर्क को देखा जाता है कि वर्क कितना अच्छा कम कर रहे हैं उतने ही बेस पे वो चार्जर लेते हैं? हमारे पास अक्सर जो अडॉप्टर पड़े होते हैं वो होते हैं लॉट वाले, ओरिजिनल अडॉप्टर पड़े होते हैं, हमारे पास हर मॉडल का अडॉप्टर पड़ा हुआ है, कॉपी भी पड़ा हुई है हमारे पास, हमारे पास ओरिजिनल वाले भी पड़े हुए हैं, और जो कस्टमर हमसे मांगता है कि हमें नॉर्मल चाहिए हम उसे नॉर्मल देते हैं, जो मांगते हैं हमें ओरिजिनल चाहिए हम उसे ओरिजिनल देते हैं, उस हिसाब से फिर उसके साथ हमें लीड्स भी देते हैं, ओरिजिनल भी पड़ी हुई हैं, कॉपी भी पड़ी हुई हैं इसके हिसाब से। और सर आजकल दो किस्म के प्रोडक्ट आई थिंक यूज़ हो रहे हैं कुछ मेरे, आई थिंक वो एक तो
लेज़र लाइटें पे लगते हैं जी जी, और एक आम सिंपल होते हैं, तो ज़्यादातर लोग वो उनमें से कौन से पसंद करते हैं? ज़्यादातर लगाते हैं ये सिंपल और मैट ग्लास, क्योंकि मैट है गेमिंग ग्लास, और क्लैरिक जो शीट है ना हमारे पास पड़ी हुई, वो इधर किसी के पास नहीं आपको मिलेगी। जौन से बड़े मार्केट वाले बैठे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स वाले बैठे हैं, उनके पास नहीं मिलेगी आपको क्लैरिक शीट का। ये फ़ायदा है उसकी प्रोटेक्शन ज़्यादा है और वो टूटती भी नहीं है। अगर टूटती है इससे ये है कि हमारा भी नुकसान है, ठीक है, कि कस्टमर एक बार लगवा जाएगा दोबारा वापस नहीं आता लगवाने। और फिर इस तरह हमारे पास मैट ग्लास पड़े हैं, मैट गेमिंग ग्लास पड़े, ज़बरदस्त ग्लास पड़े हैं गेमिंग के लिए। जो गेमिंग लवर्स हैं वो गेमिंग ग्लास लगवाते हैं, पसंद करते हैं उसको। अच्छा, हमारे नजरिंग को क्या आप मुझे सजेशन दोगे कि आप किस तरह की मोबाइल ले ले, पबजी के लिए भी, और साथ में जो है ना आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग जो है ना कवरेज ज़्यादा करते हैं, वीन्स बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत वीडियो बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, तो उन सब के लिए किस किस टाइप के मोबाइल लेना चाहिए? मेरे पास तो अगर गेमिंग वालों के लिए तो ये, हमारे पास प्रोसेसर गेमिंग प्रोसेसर मोबाइल्स पड़े हैं, उनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे पास साई ऑनलाइन पे उसको गेमिंग प्रोसेसर वाला मोबाइल देंगे। और दूसरी बात रही जो सेल्फी के हिसाब से मांगते हैं, कैमरे के लिहाज हिसाब से मांगते हैं, वो भी हमारे पास एंड्रॉयड पड़ा है, ठीक है। और जो मांगते हैं कि भाई हमारे नॉर्मली यूज़ में चाहिए, वो भी हमारे पास पड़ा है, यानी कि रैम के हिसाब से जितनी उनको रैम चाहिए, हमारे पास 8/128 पड़ा है, 4/64 पड़ा है, जो हिसाब से वो मांगते हैं हम उनके हमारे पास अलाउ है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर भाई का कहना था कि मतलब यहाँ पर नौजवान तबका हर किस्म के मोबाइल भी मांगते हैं, ऊपर अक्सर जो है ना पबजी की प्रोसेसिंग के लिहाज से देखते हैं मोबाइल को कि मोबाइल किस तरह होना चाहिए, प्रोसेसिंग के लिहाज से वो ज़बरदस्त होना चाहिए, फिर वो जो है ना उस मोबाइल को लेते हैं। और बहुत कम नौजवान थे जो कि व्लॉग के लिए और कैमरा और सेल्फी के लिहाज से मोबाइल मांगते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपने कैमरा मैन मोहम्मद अबरा के साथ ज़ाफ़रान शाह को दीजिए इजाज़त आने के बाद।